दोस्तों, एग्रीकल्चर विश्व की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि विकासशील देशों के लिए आय, भोजन, रोजगार का एक प्राथमिक स्रोत है। एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ना ही हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर होता है तभी हम लोग अच्छा फूड खा पाते हैं। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो पूरी दुनिया थम सी जाएगी। एक प्रकार से माने तो प्रलय ही आ जाएगा, हर पूरी दुनिया में सन्नाटा ही दिखेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि टॉप 5 ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो एग्रीकल्चर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पूरे विश्व में इन कंट्रियों का नाम है। ये ऐसी कंट्रियां हैं जो एग्रीकल्चर करने में बहुत ही आगे हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे जो कंट्री आती है, रशिया। चुकंदर, गेहूं, इसके अलावा आलू के उत्पादन के लिए लगभग 13% भूमि पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। रूस देश मुख्य रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है और इसका एक विशाल कृषि उद्योग है। रूस की टोटल GDP का लगभग 6% एग्रीकल्चर से आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा रूस जो है वो कृषि उद्योग को सामान आबादी को लगभग 16% रोजगार देता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस में लगभग 23 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती की जाती है। दोस्तों, जो नंबर 4 पे आता है वो है ब्राज़ील। दोस्तों, शुगर केन के मामले में पूरी दुनिया का लीडर माना जाता है ब्राज़ील देश। शुगर केन के अलावा सोयाबीन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आता है सोयाबीन के उत्पादन में। यहाँ पर सोयाबीन की भी खेती बहुत ही भारी मात्रा में की जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि लगभग 600 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है। जितना भी ब्राज़ील में एग्रीकल्चर का जो जितना भी काम है उसमें से लगभग 19% सोयाबीन की खेती होती है। दोस्तों, लगभग 41% पूरे देश का आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर ही होता है। देखा जाए तो ब्राज़ील में बहुत ही बड़े हिस्से पर खेती होती है। दोस्तों, जो नंबर 3 पे नाम आता है वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका देश जो एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही अव्वल देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में USA बहुत ही आगे देश है। एग्रीकल्चर के नए नए प्रोडक्ट, जो नई नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी दे रहा है पूरी दुनिया को। दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका में लगभग हर साल 5% प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लगभग 1990 से। अमेरिका में करने वाले जो लोग खेती करने वाले हैं उनकी बहुत ही इनकम इंक्रीज होती चली जा रही है हर साल। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम बात करें वीट की, तो वीट का प्रोडक्शन बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर होता है। दोस्तों, USA में जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे गन्ना, आलू, कॉफ़ी, चुकंदर और केले, इनका भी अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। देखा जाए तो USA में भी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर भी अधिक मात्रा में खेती बाड़ी हो रही है। दोस्तों, नंबर 2 पे जो आता है वो आता है इंडिया। हम जानते हैं कि आपका इसी का इंतज़ार था अभी तक। दोस्तों, इंडिया एक महान देश है। दोस्तों, इंडिया में लगभग 58% जनसंख्या ऐसी है कि अपनी पेट पूजा केवल एग्रीकल्चर से ही कर रही है। अगर जीवित है तो एग्रीकल्चर पर ही जीवित है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। बात करें GDP की, पूरे देश की जितनी भी GDP होती है उसमें से 18% GDP पूरी की पूरी एग्रीकल्चर से ही आती है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। दोस्तों, आप लोग दुनिया में जितने भी फ्रूट्स देखते हो ज़्यादातर इंडिया में ही उगाए जाते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो इंडिया को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। दोस्तों, जो फ्रूट बनाने में नंबर वन पे है बनाना, गुआवा, मैंगो, लेमन, पपाया। इसके अलावा वेजिटेबल्स में चिकपी, इंडिया पूरे नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इंडिया मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। अगर बात की जाए ड्राई फ्रूट्स के बारे में, तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर 2 पे नाम आता है। दोस्तों, अगर बात किया जाए फिश के मामले में, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पे आता है फिश के प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें अंडे की, तो दोस्तों अंडे के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 4 पे आता है।
जो कि पोल्ट्री प्रोडक्शन के मामले में नंबर 5 पे आ गई इंडिया अपनी। देखा जाए तो हर चीज़ में अव्वल है अपनी इंडिया। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि इंडिया की तो एक प्रकार से तारीफ बनती है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बना रखा है। इंडिया का रुतबा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बहुत ही अव्वल रुतबा है इंडिया का। वीट राइस को भी इंडिया प्रोडक्शन करने में बहुत ही आगे माना जाता है। तो दोस्तों बोलिए जय हिंद। इंडिया का दबदबा पूरे देश में फैला हुआ है। दोस्तों बहुत सारी रिपोर्टों के अनुसार देखा गया है कि चाइना नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर के मामले में। होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोग जानते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों चाइना में भूमि कृषि के लिए अत्यधिक नियोजित है। शायद आप अभी सभी लोग नहीं जानते हो कि चाइना में सड़कों और कई इमारतों पर सब्जियां उनकी दीवारों पर लगाई जाती हैं। 1949 में चाइना ने भूमि कृषि योग्य भूमि खो दिया था, बट अब चीन में 10-15% कृषि के लिए भूमि पर्याप्त है। चाइना में 545,960 वर्ग किलोमीटर भूमि संचित है। चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा सोयाबीन, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का के उत्पादन में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है इसने। दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 22% खाना चाइना से ही आता है। चाइना का दिया हुआ खाना खाते हैं। लगभग 100 लोगों में से 22 लोग की खाने की देन जो है वो है चाइना की। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना का इतना बड़ा लेवल है एग्रीकल्चर में इस देश के लिए। दोस्तों चाइना की लैंड को एग्रीकल्चर के मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि राइस वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा फ्रूट भी बहुत अच्छे से उग जाते हैं और अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। किसी भी तरह की खेती यहाँ आसानी से हो जाती है। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कंट्री है राइस के मामले में। पूरे सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस तरह की आपको वीडियो दे सकूँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों जय हिंद।